हेलो स्टूडेंट अब मैं क्लास फाइव का साइंस का सेकेंड चैप्टर का पार्ट टू पढ़ाने जा रहा हूँ सो ध्यान से देखिएगा दिया है हैबिटेट ऑफ एनिमल्स यानी किसी भी जानवर का आवास स्थान क्या होता है उसके बारे में बिनो हम जानते हैं कि देर आर वेरियस एनिमल्स लिविंग अराउंड वर्स यानी हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं सम एनिमल्स लीव ऑन लाइन कुछ जानवर भूमि पे रहते हैं वाइल्ड सम लीव इन माउंटेन जबकि कुछ जो जानवर होते हैं पर्वतों पे रहते हैं सम एनिमल्स लीव इन वाटर कुछ जानवर पानी में रहते हैं एंड सम फ्लाई इन द स्काई और कुछ आकाश में उड़ते हैं द सराउंडिंग वही प्रवेश इन बीच ऑन एनिमल्स लीव जिसमें सारे जानवर रहते हैं इट्स खाते हैं बढ़ते हैं और अपने समान बच्चे को रिप्रोड्यूस इन बच्चों को जन्म देते हैं इस कॉल इट उनका ये आवास कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल में ले लो, forest, शेर का जो आवास स्थान होता है जंगल होता है और habitat is desert, और हैबिटेट इज जो ऊंट का आवास स्थान होता है वो रेगिस्तान होता है और फिश हैबिटेट इज वाटर मछली का आवास होता है पानी होता है एंड सो ऑन और अन्य द मेन हैबिटेट ऑफ एनिमल और फॉरेस्ट डिजर्ट पोलर रीजन ओशन एंड फ्रेश वाटर यानी जानवरों का जो मुख्य आवास होता है जंगल रेगिस्तान उत्तरी दुरु, प्रदेश, दुरुगी प्रदेश, महासागर और ताजे पानी वाले जगहों में इनका आवास स्थान रहता है फॉरेस्ट में क्या होता है और फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर विथ ट्रीज और अदर वुडी प्लांट्स। जंगल क्या होता है वृक्षों और अन्य जंगली जंगली पौधों से युक्त ढका से ढका हुआ एक

देखने कुछ एग्जाम्पल है, है? जिसमें कोई लायन टाइगर एलिफेंट सम क्या होते हैं जंगल में रहते हैं सम एनिमल्स लाइक मंकी एंड बर्ड्स लीव ऑन ट्रीज जैसे कुछ जानवर मंकी और बर्ड होते हैं वृक्षों पर रहते हैं और वाइल्ड सम एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर लिविंग केव जबकि कुछ जानवर होते हैं जैसे शेर है और बाघ है केव यानी गुफा में रहते हैं डिजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे अब रेगिस्तान और इज अ बैरन एरिया ऑफ लैंड रेगिस्तान क्या होता है भूमि का बंजर एरिया होता होता है है कवर्ड सैंड जो बालू से ढका हुआ इट वेरी हार्ड ड्यूरिंग डे या दिन के दौरान बहुत गर्म होता है एंड वेरी कूल एट नाइट और रात में बहुत ठंड होता है वाटर इज हार्डली फाउंड इन डिजर्ट पानी रेगिस्तानी एरिया में बहुत मुश्किल से ही पाया जाता है एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड रेटल स्नैक लिव इन डिजर्ट यानी वो जानवर जैसे ऊंट और राइटल स्नेक जो होता है इन रेगिस्तानी इलाकों में रहता है आगे हम चलते हैं ऊपर लिखा है पोलर रीजन एंड माउंटेन ध्रुवीय प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश और कोल्ड प्लेसेस ये ठंडे स्थान होते हैं दे आर कवर्ड विद स्नो वेन बर्फ से ढके रहते हैं एनिमल लाइक जानवर जैसे पोलर बियर पेंगुइन, सील एंड फाउंड इन पोलर रीजन ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं याक goat याक एंड माउंटेन माउंटेन फाउंड इन और जो पर्वतीय बकरिया होती हैं, पर्वतीय इलाकों में पाई जाती हैं। ओसन महासागर में देखो एंड ओसन इज द वास्ट बॉडी ऑफ साल्टी वाटर ओशन क्या महासागर क्या होता है नमकीन पानी का एक बहुत विशालकाय भाग होता है दैट कवर एम थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस जो पृथ्वी के सतह का चौथी तीन चौथा हिस्सा जल से ही ढका है दे आर द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ जो पृथ्वी पर क्या है सबसे बड़ा आवास स्थान है एनिमल जैसे वेल ऑक्टोपस सार्क एंड अ लार्ज वेराइटी या फिश और ढेर सारी मात्रा में मछलियाँ और फाउंड इन ओशन महासागरों में पाई जाती हैं अब आगे चलते हैं फ्रेश वाटर की तरफ फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी पॉन्ड्स रिवर लेक्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर यानी तालाब नदियाँ और झील ताजे पानी के उदाहरण है फिशेज फ्रॉक्स टॉर्टाइज एंड सलमंडर्स और लीव इन फ्रेश वाटर यानी ये सारे जीव हैं ताजे पानी में रहते हैं हाउ डू एनिमल्स ईट जानवर कैसे खाते हैं वो देखिए यानी जीव कैसे खाते हैं वो देखिए लाइक ह्यूमेंस एनिमल आल्सो नीट फूड टू लीव ग्रो एंड सर्वाइव जैसे कि मनुष्य जानवर, जानवरों को जीवित रहने के लिए बढ़ने के लिए क्या सर्वाइव करने के लिए क्या रहते हैं क्या जरूरत होती है भोजन की जरूरत होती है फूड गिव्स देम एनर्जी टू ग्रो भोजन उनको बढ़ने में ऊर्जा देता है स्टे हेल्दी और स्वस्थ बनाए रखता है ठीक डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट देखो अलग अलग जानवरों में खाने की अलग अलग आदत आदत होती है वे उनके खाने के ऊपर डिपेंड करता है हार्बिवोरस जैसे जानवर हैं हार्बिवोरस आर एनिमल्स विच ईट प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट शाकाहारी जानवर वे जानवर होते हैं जो पौधों या पौधों से बने हुए भागों को खाते हैं दे है इन सीजर एंड ब्रॉड मोलर टी टू कट एंड ग्राइंड देयर फूड उनके पास क्या होता है इन सीजर इंसीजर एक दांत का प्रकार दांत चार प्रकार के होते हैं उनमें इंसीजर होता है जिसको बोलते हैं ये तेज होते हैं और चमणक जो होते हैं वो थोड़ा चौड़े दांत होते हैं जो भोजन को काटते हैं और पीसने का काम करते हैं गो, काऊ गोट डियर ये क्या करते हैं ये शाकाहारी जीव है कार्निवोरस में और मांसाहारी में कार्निवोरस आर एनिमल्स का मांसाहारी हुए जानवर होते हैं दैट ईट फ्लिस और अदर एनिमल जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं टाइगर लायन एंड आर गुड एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस टाइगर लायन और भेड़िए जो होते हैं मांसाहारी जीव के अच्छे उदाहरण हैं दे हैव हैवॉर्फ कंस टू टीयर द फ्लिश हुए मांस को फाड़ने के लिए उनके पास तेज दांत होते हैं कार्निवरस है बोन्स का मांसाहारी जानवरों के पास हड्डियों तक को चबाने के लिए मजबूत चवर्णक विदात होते हैं आगे चलते हैं ओमनीवर्स 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 आर एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेस ऑफ अदर एनिमल सर्वाहारी जानवर वो होते हैं जो पौधों और अन्य जा, जानवरों के मांस को दोनों को भी क्या खाते हैं जैसे कौवा हो गया भालू हो गया हेज हॉग हो गया मंकी हो गया एक्सेट्रा और ओमनीवर्स ये सारे सर्वाहारी जानवर है ओमनीवर्स हैव वेल डेवलप्ड इन सीजर एंड मोलर ओमनीवरस यानी सर्वाहारी जानवरों में पूर्ण विकसित किदंत और चवर्णक दांत होते हैं मोलर्स हेल्प देम टू ईट हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट फूड ये मोलर जो दांत होते हैं चवर्णक जो मुलायम से मुलायम और कठोर से कठोर भोजन को क्या करते हैं चबाने में और खाने में मदद करते हैं ह्यूमन बींग आल्सो आल्सोमनी मानव भी क्या है सर्वाहारी जानवर है चलने की जरूरत होती है घूमने फिरने की जरूरत होती है एनिमलो मूव अबाउट टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देर एनिमल जानवर अपने दुश्मनों से स्वयं को बचाने के लिए भी क्या करते हैं चलते हैं They also move to breed. वे अपने समान बच्चे को जन्म देने के के लिए लिए भी क्या करते हैं? चलते हैं चलते अलग-अलग अलग-अलग जानवर फिरने अंगों का प्रयोग करते हैं हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में अब चलते हैं मैमल्स के बारे में स्थान पाई, पाई जीवों के बारे में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है अधिकांश जो स्थान होते हैं उनके चार अंग होते हैं दे हैव टू लिम्स इन द फ्रंट उनके सामने वाले जो दो अंग होते हैं उनको फोर लिम बोलते हैं एंड टू अदर एट द बैक और पीछे की तरफ जो दो अन्य होते हैं उनको हिंडलिम बोलते हैं हॉर्स काउ डॉग एट्सेट्रा यूज ऑल द फोर लिम्ब टू मूव यानी ये सारे जानवर चलने के लिए अपने चारों अंगों का प्रयोग करते हैं ह्यूमन बींग्स यूज ऑनली द हिंडलिम्स ए लेग टू वॉक जो मानव होते हैं वो अपने सिर्फ पिछले यानी हिंड लिम को चलने के लिए ही प्रयोग करते हैं द स्टैंड एरिय हेल्प ऑफ हिंड लिम ऑन द ग्राउंड वे जमीन पे खड़े होने के लिए अपने जलीय जानवर फिश फिश यूज थ्री टाइप ऑफ फिंस फॉर स्विमिंग मछलियां तैरने के लिए तीन प्रकार के फिंस का प्रयोग करती है जो ऊपर वाला ये जो जाली जाली नुमा जो जाल होता है ये पंख होता है उनको फिंस बोलते हैं द पेयर फिंस हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड जो इनके जोड़े वाले जो फिंस होते हैं ये एक साइड ये बना है दूसरे साइड उनको आगे उत्तरा बढ़ने में मदद करते हैं द अनपेयर्ड फिंस हेल्प टू फीस टू कीप देयर बैलेंस और जो इनके बिना जोड़े वाले जो ये पंख होते हैं उनके बॉडी को बैलेंस बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं द ट्रेल फिंस हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन और जो इनके पूछ वाला ये हिस्सा होता है फिंस होता है इनको दिशा में बदलने में मदद करता है फ्रॉक्स यूज बेब फी टू स्विम जो मेढक होते हैं जाली नुमा अपने प्रयोग करके तैरते हैं strong leg, they jump on land. अपने मजबूत पिछले पैरों की मदद से वे भूमि पर जंप करते हैं टर्टल यूज their फोर पैडल जो टर्टल होते हैं अपने चारों पैरों का प्रयोग करते हैं जैसे फ्लिपर टू स्विमिंग वाटर पानी में तैरने के लिए अपने फ्लिपर का प्रयोग करते हैं उनके भी अंदर जालिका नुमा ये जाली नुमा भरा हुआ हिस्सा होता है ऐसे ऐसे भरा हुआ जिस का प्रयोग करके वे आगे की तरफ तैरते हैं आगे चलते हैं हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं इंसेक्ट हैव सिक्स लेग्स। कीड़ों में छह पैर होते हैं दे यूज देयर लेग्स टू मूव अराउंड वे लोग अपने लेग का प्रयोग करके चारों तरफ घूमते रहते हैं चलते हैं वाटर इंसेक्ट लाइक वाटर बोटमैन यूज देयर लेग्स एज और टू स्विम जो पानी वाले कीड़े होते हैं जैसे जैसे कि वाटर बोटमैन तैरने के लिए अपने पैरों का प्रयोग करता है ठीक ना जैसे इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई कीड़े मकोड़े जैसे तितलियाँ बीज मधुमक्खियां और हाउस फ्लाई जो घर की मक्खियां होती हैं इनके पास पंख होते हैं विच हेल्प देम टू फ्लाई जो उनके उड़ने में मदद करती हैं द विंग्स ऑफ इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों के की जो पंख होते हैं और थीन पतले होते हैं डेलिकेट कोमल होते हैं इन और मेड अप ऑफ टीन स्केल और छोटे छोटे स्केल से बने होते हैं जिसको चुईया बोलते हैं रूम अब हम आगे चलते हैं रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। वाले। टर्टल, क्रोकोडाइल घड़ियाल और जो छिपकलिया होते हैं छोटे छोटे लिंब होते अंग होते हैं यही उनके अंग उनको आगे क्रॉल करने में रेंगने में मदद करते हैं स्नेक और लेगलेस रेप्टल सांप एक बिना पैरों वाला सरी वर्ग का जानवर है यानी रेंगने वाला जानवर है दे हैव स्केल और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी उनके बॉडी के अंदर की तरफ यानी केचुली या प्लेट्स होते हैं जो इनको रेंगने में मदद करते हैं अब चलते हैं बर्ड्स की तरफ बर्ड्स है सारे पक्षियों में क्या होते हैं पंख होते हैं दे यूज देम टू फ्लाई एंड मूव वे उनको उड़ने में और चलने में क्या करते हैं मदद करते हैं Some who cannot fly, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते जैसे ऑस्ट्रिच है कीवी है एहतियाद हैंडलिम टू वे अपने पिछले पैरों का प्रयोग करके चलती हैं दौड़ती हैं हॉप एंड लैंड भूमि पर फुदकती हैं अनफॉर्चुंट्रीज और, और पेड़ों पर भी कूदती हैं। माइग्रेशन में चलते हैं प्रवास इन अनफेवरेबल कंडीशन यानी प्रतिकूल अवस्था में सम एनिमल्स मूव ओवर ए लार्ज डिस्टेंस टू गो एन अदर प्लेस यानी कुछ जानवर जो ऐसे होते हैं दूसरे स्थानों पर बहुत लंबी दूरी तय करके चलते जाते हैं एंड कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस जब उनका वो मौसम सही आ जाता है तो उसका वेन कंडीशन उस कंडीशन में क्या करते हैं बिकम फेवरेबल यानी उनका मनपसंद जब अनुकूल उन, अनुकूल वातावरण बन जाता है तब तो वो वापस चले जाते हैं मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ओवर लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड कोल्ड वेदर और टू ब्रीड इस कॉल माइग्रेशन जानवरों का ऐसा क्रियाकलाप जिसमें भोजन की तलाश में ठंडे मौसम या अपने समान बच्चों को जन्म देने के लिए वे जन का लंबी दूरियों को तय करके जाते हैं तो इन्हीं को हम माइग्रेशन बोलते हैं प्रवास बोलते हैं द साइबरियर साइबेरियन क्रेन विजिट इंडिया एवरी ईयर इन विंटर जो साइबेरिया एरिया का रहने वाला सारस है हर जाड़ू के मौसम में भारत में आता है इट देन गोज बैक टू साइबेर ड्यूरिंग समर और गर्मी के मौसम में वापस चला जाता है साइबेरिया द मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है फ्राम कैनेडा टू मैक्सिको डिंग इन द डूरिंग द विंटर जाड़ू के मौसम में वह कैनेडा से मैक्सिको आती है फीसेज लाइक इल्स ट्रेवल इन लार्ज ग्रुप टू दी टू एल एक्स जो मछली इल्स जो मछलियाँ होती हैं बहुत बड़ी समूह में अंडे को सहने के लिए यात्रा करती हैं यानी दूर तक जाती हैं ऑन हैचिंग और हैचिंग करने पर पेरेंट इल डाइज जब एक बार अंडा सह देता है तो जो उसका पिता इल्स होता है मछली मर जाता है वाइल द बेबी इल्स ट्रेवल बैक टू द रिवर और जो बच्चे इल्स के जो बच्चे होते हैं वापस नदी में चले जाते हैं लेकर्स आर इंसेक्ट दैट माइग्रेट इन समर टीडा जो कीड़ा होता है समर में गर्मियों के मौसम में प्रवास करता है लेकस डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप इन फील्ड टीडे जो होते हैं खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं द आर्कटिक बार और पढ़ा दो समुद्र में अंडे सीने के लिए यात्रा करती है यानी दूर तक प्रवास करती है ऑन हैचिंग हैचिंग यानी अंडे सेने के बाद देरेंट्स यानी पेरेंट्स जो पिता मछली होता है मर जाता है और वाइल्ड द बेबी इल्स ट्रेवल बैक टू द रिवर जबकि जो ईल्स मछली के बच्चे होते हैं पुनः वापस अपने नदियों में अपने रहने के स्थान पर चले जाते हैं लेकर्स है दैट माइग्रेट इन समर जो गर्मियों के मौसम में प्रवास करता है लेकर्स डैम स्टैंडिंग क्रॉप इन फील्ड्स टीडा क्या करता है खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाता है द आर्कटिक टर्न इज द चैंपियन इन माइग्रेशन आर्कटिक टर्न एक पक्षी का नाम है जो प्रवास करने में चैंपियन है इट ब्रीड्स इन आर्कटिक इन समर यह गर्मी के मौसम में आर्कटिक में क्या करता है बच्चों को जन्म देता है इट ट्रेवल किलोमीटर ड्यूरिंग द विंटर यह क्या करता है ना जाड़ों के मौसम में, जाड़ों के, के दौरान अंटार्कटिका में सत्रह हजार किलोमीटर की यात्रा तय करके आता है एंड अगेन गोज बैक कवरिंग द सेम डिस्टेंस और फिर अपना काम करने के बाद पुनः वापस लौटकर अपने स्थान पर चला जाता है थैंक्स फॉर और मैं आपको आगे इसमें क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चंस देख लीजिए ध्यान से थोड़ा फील इन द ब्लैंक्स है थोड़ा मैं छोटा कर इसको। अब देखिए इसको ध्यान से क्या भरा गया है ठीक उसी प्रकार आप लोग भी भर लीजिएगा आगे हम चलते हैं और यहाँ पर रहा आपका क्वेश्चंस फिर मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ एक एक करके आप लोग आंसर भी लिख लीजिएगा ऊपर रहा ये क्वेश्चंस उसका आंसर यहाँ पर है ये आगे चलते हैं कुछ छूटा हुआ जो है यहाँ पर है ये देखिए अब आगे थोड़ा सा यहां पर भी है धन्यवाद